आज हम बनाने जा रहे हैं चाट मसाला। उसके लिए हमने लिए है 3 चम्मच साबित धनिया, 2 चम्मच भर के हमने जीरा लिया है और 1 चम्मच भर के हमने काली मिर्चें ली, 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच सौंठ, चाय की 1 चमची सौंफ, साबित मिर्चें हमने आधा पाव से कम ली है, 1 चम्मच भर के काला नमक और 1 चम्मच भर के सफ़ेद नमक, 2 चम्मच खटाई पिसी हुई आमचूर, 1 चम्मच टाटरी, हमने घर में पुदीना सुखा के रखा था थोड़ा सा, 1 चम्मच हम पुदीना डालेंगे इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को हमने भून लेना है लो फ्लेम पर। तो हम ये साबुत मिर्ची डालेंगे सबसे पहले इसमें, इसको हमने हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। साबित मसाले हम रोस्ट कर लेंगे और ये चीज़ें हम इसी में रहने देंगे। अब देखिए इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ रही है, हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे इसी तरह से चलाते हुए 2 मिनट तक, ऐसे चलाना है क्योंकि तवा गर्म होता है और नीचे से ये ब्राउन हो जाएगा, तो हमें इसको चलाते रहना है। जैसे ही ठंडा होगा हम इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, कर देंगे तो ये ठंडा होने का इंतजार करेंगे 2 मिनट तक। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। हमने आधा आधा मसाला करके हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमने चाट मसाला बनाया है और ये बहुत ज़बरदस्त बना है। ये बाजारों वाला चाट मसाला तैयार हुआ है, आप ज़रूर ट्राई करके और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। बहुत ज़बरदस्त चटपटा चाट मसाला तैयार है, ये मैंने आप लोगों की फरमाइश पर बनाया है और नेक्स्ट टाइम मैं फिश मसाला बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। आप फ्रूट चाट बनाएं, चने की चाट बनाएं, आलू की चाट बनाएं, कोई सी भी चाट बनाएं, दही बड़ा बनाएं, दही बड़े की चाट बनाएं उसमें भी ये डालें और दही बड़ा मसाला भी डालें, सोने पर सुहागे का काम करेगा ये मसाला जो मैंने बनाया है। 100% वही मसाला है जो बाज़ारों से आप लेते हैं। घर में आप तैयार करें तो घर की चीज़ें साफ़ सुथरी भी होती हैं और पायदार भी होती हैं, आप वो इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है। हमने दही बड़ा मसाला बनाया था, उसकी लिंक भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।